हेलो स्टूडेंट्स आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की मीनिंग क्या होती है चेक मीनिंग क्या होती है और इसके फीचर्स क्या होते हैं सिमिलरली नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज की मीनिंग एंड फीचर्स को भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले कि निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को देखते हैं ये एक्ट 1881 एटी वन दैट इज एटीन एटी वन इज ईयर इस ईयर में पास आउट हुआ है किसी भी एक्ट के सामने जो ईयर मेंशन होता है वो डिनोट करता है कि वो एक्ट उस ईयर में पास आउट हुआ है तो निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो दो

ऐसी चीज या ऐसा रिटर्न डॉक्यूमेंट्स या ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो ट्रांसफरेबल हो किससे एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास और ट्रांसफरेबल मीन्स यही नहीं कि सिर्फ मैंने बोल दिया कि ट्रांसफर हम कर रहे हैं ट्रांसफरेबल के साथ डिलीवरी का होना जरूरी है मतलब हम ट्रांसफर कर भी दें तो डिलीवरी के थ्रू ट्रांसफरेबल हो रहा हो लेकिन सेकेंड चीज इंपॉर्टेंट क्या है कि ऐसे ही कोई भी चीज हम किसी को दें तो वो निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट नहीं कहलाएगी क्योंकि वो बिजनेस पर्पज से होनी चाहिए कस्टमर ऑफ ट्रेड होना चाहिए उसमें लाइक लाइक कैश हो गया या बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह भी इसमें आते हैं तो लाइक कैश एंड इज आल्सो कैपेबल ऑफ बीइंग स्वीड अपॉन बाय द पर्सन होल्डिंग इट फॉर द टाइम बींग और अगर किसी के पास वो चीज है तो उसके पास ये भी होता है कि अगर इन केस कोई डिफॉल्ट हो रहा है या कोई प्रॉब्लम आती है तो कोर्ट केस भी किया जा सकता है सो मतलब केस किया जा सकता है उसके पास इस चीज का भी पावर हो तो निगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या हो गया ट्रांसफरेबिलिटी होना जब एक चीज दूसरी चीज को ट्रांसफर की जा रही हो बाई डिलीवरी के थ्रू कस्टम ऑफ ट्रेड में की जा रही हो और ये भी कैपेबिलिटी रख रहा हो वो कि अगर वो कोई भी होल्ड करके रखा है तो उसके अगेंस्ट में या उसके थ्रू किसी को सिव किया जा रहा हो तो हम उसे निगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं बट एक्चुअली जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को डील करता है वो सेक्शन 13 है पर सेक्शन 13 में कहीं भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डायरेक्ट मीनिंग नहीं डिफाइन की गई है सेक्शन 13 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जिसे एनआई एक्ट कह रहे हैं 1881 डज नॉट डिफाइन अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बट उसमें डेफिनेशन तो नहीं गिवेन है लाइक like हमने आपको समझाई कि एग्जैक्टली exactly अगर उसके टर्म्स को देखा जाए कि एक टर्म को तो जो उसकी मीनिंग निकलती है तो इस तरह की मीनिंग सेक्शन में गिवन नहीं है पर सेक्शन में ये बता दिया गया है कि उसमें क्या चीजों को हम नेगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं मीन्स कौन सी चीज़ें उसमें इंक्लूड होती हैं सो एज पर सेक्शन थर्टीन ऑफ द एक्ट अ निगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स प्रोमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक पेबल आइदर टू ऑर्डर और अ अयर तो सेक्शन 13 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का क्या कहता है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब होता है प्रॉमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक जो कि पेबल हो ऑर्डर पे या बेरर को इसी को हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं ऐसा कहाँ लिखा गया है ऐसा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के सेक्शन 13 में मेंशन है ओके okay, तो हमें ये तो पता चल गया कि ये निगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है अब हम इसके काइंड देखते हैं काइंड ऑफ निगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट तीन काइंड होती है प्रोमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक जो कि उसके डेफिनेशन में ही मेंशन है इसी को हम निगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं मैं आपको एक और चीज बता दूं कि ये जो टाइप आप देख रहे हैं ये सेक्शन वन ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एटीन के अकॉर्डिंग है एटीन के अकॉर्डिंग कहता है कि निगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट बाई स्टैच्यूट ये तीन है क्योंकि स्टेच्यूट में एक्ट में सेक्शन थर्टीन में गिवन यही तीन लेकिन बाई कस्टम और बाई यूजेस और भी हैं जैसे बैंक नोट हो गया डिमांड डाफ्ट हो गया शेयर वारंट हो गया डिविडेंड वारंट हो गया हुंडी हो गया ये सब भी निगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट है क्योंकि बिजनेस पर्पज पर में यूज होते हैं और ये सब के सब कैरेक्टरिस्टिक्स मेंटेन करते हैं ट्रांसफरबिली की राइट right. तो ये ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में बताया गया है कि ये निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एक स्टैट्यूट के थ्रू होता है और एक यूजर्स के थ्रू तो चूंकि हम निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को पढ़ रहे हैं तो स्टैट्यूट के थ्रू सेक्शन थर्टीन में जो तीन चीज़ें कही गई हम यहाँ पे उसे डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हम लेते हैं कि प्रोमिसरी नोट क्या होता है तो प्रोमिसरी नोट को कहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है अंडर सेक्शन फोर में तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन फोर अ प्रोमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग साइन बाय द मेकर टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन और टू द बीयर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट तो सेक्शन फोर में किसको डील किया गया प्रोमिसरी नोट को बोला गया कि प्रोमिसरी नोट क्या है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है इंस्ट्रूमेंट है तो मतलब राइटिंग में होगा ही तो इंस्ट्रूमेंट है तो इन राइटिंग में होना चाहिए इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडिशनल अंडरटेकिंग राइटिंग में क्या होना चाहिए एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होनी चाहिए अनकंडिशनल अंडरटेकिंग मतलब एक ऐसी अंडरटेकिंग दैट इज शपथ एक ऐसा अंडरटेकिंग आप लोगे जो इसके साथ कोई भी कंडीशन अटैच नहीं हो प्लस उसमें वो किसके द्वारा साइन किया जाना चाहिए मेकर के द्वारा जिसने उसको लिखा हो उसके द्वारा वो साइन होना चाहिए उसमें क्या बात लिखी जानी चाहिए कि अनकंडीशनल अंडरटेकिंग के साथ ये भी मेंशन होना चाहिए कि सर्टेन सम ऑफ मनी को पे किया जाना है राइट right? किसको पे किया जाना है ओनली टू जिसको नाम मेंशन है उसे या और टू द ऑर्डर ऑफ या उसके ऑर्डर पे किसी और को अ सर्टेन पर्सन जिसका नाम मेंशन होगा और टू द बियर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट या फिर उसे जिसके पास ये इंस्ट्रूमेंट होगा बियर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट जो होल्ड करके रखा है राइट right? तो प्रोमिसरी नोट एक रिटर्न डॉक्यूमेंट्स होता है जिसमें अनकंडीशनल अंडरटेकिंग ली जाती है इंपॉर्टेंट बात होती है कि प्रोमिसरी नोट क्या होता है अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होती है जहां पे मेकर के द्वारा साइन किया गया होता है सर्टेन सम ऑफ मनी की बात हो रही थी पे करने की बात होती है किसे पे करना होता है उस पर्सन को या उसके ऑर्डर पे किसी को या फिर जो भी उस इंस्ट्रूमेंट को बियर करके रखा है उसे तो उसे हम प्रोमिसरी नोट कहते हैं हम इसकी रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं रिक्वायरमेंट्स इन द सेंस इसके फीचर्स फीचर्स ऑफ प्रोमिसरी नोट क्या होता है तो फर्स्ट इज वॉट इट मस्ट बी इन राइटिंग ऑब्वियसली राइटिंग में होना बहुत जरूरी है सेकेंड द प्रोमिस टू पे मस्ट बी अनकंडीशनल यहाँ पे प्रॉमिस होना चाहिए कि प्रामिस किस चीज़ का होना चाहिए कि पेमेंट की जाएगी पे करने की प्रामिस होना चाहिए लेकिन प्रोमिस टू पे मैं एक बात और मैंशन कर दूँ कि द वर्ड प्रोमिस इज नॉट इसेंशियल टू कॉन्स्टिट्यूट इंस्ट्रूमेंट एज अ प्रोमिसरी नोट एक्टली क्यों क्योंकि पर हाँ वहां पे प्रॉमिस होनी चाहिए कि हम कुछ पे करेंगे और मस्ट बी अनकंडीशनल कंडीशन अटैच नहीं होनी चाहिए जैसे कि मैंने मान लो कि लिखा कि ए प्रॉमिस टू पे बी रुपीज फाइव थाउजेंड सेवन डेज आफ्टर हिज मैरिज विथ सी तो मैंने कंडीशन क्या अटैच कर दी कि ए बी को तभी देगा पांच हजार रुपए जब वो मैरिज कर लेगा सी से उसके सात दिन के बाद तो अब ये प्रोमिस रि नोट होगा नहीं क्यों क्योंकि यहाँ पे कंडीशन अटैच है तो कैसा पेमेंट का बात होना चाहिए अनकंडीशनल कोई कंडीशन अटैच ना हो नेक्स्ट इज वॉट अमाउंट प्रोमिस्ड मस्ट बी सर्टेन एंड डेफिनेट समी जो प्रोमिस किया जा रहा है कि मैं इतना अमाउंट पे करूंगा या करूंगी तो वो क्या होना चाहिए सर्टेन होना चाहिए डेफिनेट होना चाहिए कि एग्जैक्टली exactly इतना पेमेंट होना है सपोज करिए जस्ट से आई प्रोमिस टू पे मिस्टर बी रूपीज फिफ्टी थाउजेंड एंड ऑल्सो डिलीवर हिम अगल वो स्विफ डिजायर, डिजायर कार तो मैंने क्या कर दिया कि मैं प्रोमिस कर रही हूँ बी को फिफ्टी थाउजेंड दूंगी और उन्हें एक स्व डिजायर कार दूंगी तो so अभी क्या हो गया फिफ्टी थाउजेंड तो सर्टेन होगा गया पर स्विफ्ट डिजायर कार का अमाउंट के हिसाब से फिक्स नहीं कर सकते नहीं कि मार्केट रेट अलग हो गई हमने कितने में पाया डिस्काउंट के बाद अलग हो गया एक फिक्स अमाउंट नहीं हुआ सर्टेन या डेफिनेट अमाउंट नहीं हुआ तो ये प्रोमिसरी नोट नहीं कहलाएगा सर्टेन, सर्टेन।

मैं प्रॉमिस कर रही हूँ कि मैं पे करूंगी तो मेरी साइन होना जरूरी है ना कि हाँ मैं रेडी हूं वरना कोई भी कुछ भी लिख दे तो कैसे होगा कि हाँ ये सामने वाले पर्सन ने लिखा उसकी साइन होगी तब ऑथराइज होगा ना वो ऑथेंटिकेट तभी मानेंगे तो ये एक फीचर हो गया एंड द लास्ट फीचर इज इज पर्सन टू होम मेड मस्ट बी डेफिनेट पर्सन जिस पर्सन को पेमेंट करने की बात कही जा रही है वो पर्सन एक डेफिनेट पर्सन हो ऐसे ही मैं नहीं बोल रही हूँ कि मैं किसी को भी पे कर रही हूँ राइट मतलब पेमेंट जिसको करना है वो पर्सन नोन हो कि जिसको पेमेंट करनी है राइट नेक्स्ट इज वॉट पार्टीज टू प्रोमिस नोट अब प्रोमिस नोट में कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं तो एक हो गई आपकी मेकर मेकर कौन हो गया पर्सन हु प्रोमिस टू पे मतलब जो प्रोमिस कर रहा है कि वो पे करेगा वही तो राइटिंग करेगा वही मेकर होगा तो जो बनाता है उसे मेकर कहेंगे और वो क्या लिखेगा कि मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं ये पे करूंगा तो पर्सन हु टू पे जिसे पे करना होता है उसे हम maker कहते हैं। में जो amount करने की बात कही गई है जिसको पे की जाएगी वो आपका क्या कहलाएगा कि आपका पे कहलाएगा राइट एंड नेक्स्ट इज वोट होल्डर तो होल्डर क्या हो गया आइदर द पे और द पर्सन टू होम द नोट मे तो होल्डर मतलब क्या हो गया जिस जो होल्ड करके रखा है जिसके पास है तो या तो वो पे ही खुद होगा कि जिसको पेमेंट मिलने वाली है वो उसके पास वो बिल होगा वो प्रोमिसरी नोट होगा तो वो होल्डर बन जाएगा या फिर किसी और को अगर पे ने एंडोर्स कर दिया है इंडोर्समेंट एक टर्म होता है कि लाइक मेरे पास प्रोमिसरी नोट है पर मैं वो मुझे भी किसी को पे करना था तो मैंने मैं पैसे पेमेंट ना करके वो प्रोमिसरी नोट ही उसे दे देती हूँ कि जो मुझे ए देने वाला था वो डायरेक्टली आपको दे देगा क्योंकि प्रोमिसरी नोट आपके पास है तो मैं उस पेपर के पीछे बैक साइड में जाके साइन कर दूंगी तो उसे हम कहते हैं इंडोर्समेंट करना राइट तो जिसे इंडोर्स किया गया है या तो वो तो होल्डर कोई भी हो सकता है जिसके पास होल्ड करके रखा गया है तो तीन पार्टीज हो गई मेकर पे एंड होल्डर तो होल्डर वही होता है जिसको रिसीविंग होती है तो पे एंड होल्डर इज द सेम पर्सन हो सकते हैं कई बार राइट और मेकर जो साइन कर रहा हो तो अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्रोमिस नोट तो हो गया अब हम देखते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है तो बिल ऑफ एक्सचेंज को सेक्शन फाइव में डील किया गया है क्या बोला गया कि इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग ए अनकंडीशनल ऑर्डर साइन बाय द मेकर डायरेक्टिंग अ सर्टन पर्सन टू पे अ सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ दर्टन पर्सन और टू द बेयर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट तो बिल ऑफ एक्सचेंज बता दूं बिल ऑफ एक्सचेंज का जो ये टर्म है वो मेनली बिजनेस ये सारे बिजनेस पर्पज़ में यूज़ होते हैं तो जब ट्रेडिंग होती है तो रॉ मटेरियल वगैरह परचेज़ कर रहे हैं या परचेजर और सेलर होते हैं तो हमेशा जो है जो बिजनेस डील होती है वो कैश में नहीं होती है मतलब वो क्या होता है कि सामान की डिलीवरी कर दी जाती है पेमेंट के लिए ड्यू रखा जाता है तो उन सब पर्पज़ में बिल ऑफ एक्सचेंज यूज़ किया जाता है राइट और दूसरी चीज है बिल ऑफ एक्सचेंज में बहुत अच्छा खासा न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाता है उसमें न्यूमेरिकल होते हैं राइट अब ये क्या कह रहा है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि ये क्या है एक इंस्ट्रूमेंट है तो राइटिंग में होगा ही होगा करेक्ट कैसा है उसमें क्या लिखा है अनकंडीशनल ऑर्डर यहाँ पे अंडरटेकिंग की बात नहीं है यहाँ पे ऑर्डर की बात हो रही है तो जो राइटिंग में होगा वो राइटिंग में क्या चीज हो जाएगी ऑर्डर दी जा रही होगी और उस उसपे क्या होगा साइन होगा साइन बाय द मेकर जो बनाया है जिसने लिखा होगा वो उसकी साइन होगी क्या होगा उसमें डायरेक्टिंग टू अर्टन पर्सन किसी पर्सन को डायरेक्ट किया जा रहा हो बोला जा रहा होगा टू पे सम ऑफ मनी कि आप इतना एक फिक्स अमाउंट सर्टेन सम ऑफ मनी पे करें किसको ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन सर्टेन पर्सन को या उसके ऑर्डर पे किसी और को और टू द बेर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट या फिर जिस

तो रिक्वायरमेंट्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज क्या हो गया कि मस्ट बी इन राइटिंग राइटिंग में होना चाहिए क्योंकि एक इंस्ट्रूमेंट है इंस्ट्रूमेंट होता है जो चीज़ राइटिंग में होगी राइट मस्ट बी इन राइटिंग मस्ट बी एन ऑर्डर टू पे यहाँ पे ऑर्डर होना चाहिए किस चीज़ का पेमेंट करने का कि ऑर्डर दिया जा रहा हो कि आपको ये चीज़ पे करनी है ठीक है उसके बाद क्या हो गया आपका ड्रॉवर मस्ट बी साइन द इंस्ट्रूमेंट तो जिसने बनाया है उस इंस्ट्रूमेंट को मेकर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट दैट इज कॉल्ड ड्रॉवर उसकी साइन होना जरूरी है पर साथ ही में एक्सेप्टेंस होना ड्रॉई की भी जरूरी है मीन्स जिसको ऑर्डर दिया जा रहा है कि आपको पे करना है उसके थ्रू बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट किया जाना भी उतना ही रिक्वायर्ड है मस्ट बी एक्सेप्टेड बाई ड्रॉई ओके नेक्स्ट इज वॉस सम मस्ट बी सर्टेन जो अमाउंट पे करना है वो सर्टेन सम ऑफ मनी होनी चाहिए देन मस्ट बी एक्सेप्टेड बाई ड्रॉइंग ऑब्वियसली मैंने बोला कि आपको ड्रॉइंग के थ्रू वो एक्सेप्ट किया जाना इम्पॉर्टेंट है देन अब क्या हो गया कि कौन कौन सी पार्टीज नोट बिल ऑफ एक्सचेंज में इन्वॉल्व है तो बिल ऑफ एक्सचेंज में एक हो गई आपके ड्रॉवर ड्रॉवर इज वॉट मेकर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज जिन्होंने बनाया है बिल ऑफ एक्सचेंज को फिर नेक्स्ट इज वॉट ड्रॉइंग ड्रॉइंग अ पर्सन डायरेक्टेड टू पे द मनी बाई द ड्रॉवर ड्रॉवर जिसे डायरेक्ट कर रहा है कि आपको पे करना है उसे हम ड्रॉई करते हैं मीन्स ऑर्डर देने वाला ड्रॉवर हो गया और जिसे पेमेंट करनी है वो ड्रॉई हो गया ड्रॉई पे लिखा जाता है ओके okay, ड्रॉवर के द्वारा बिल ऑफ एक्सचेंज नेक्स्ट इज व पे पे कौन हो गया पर्सन नेम्ड इन द इंस्ट्रूमेंट टू होम मनी इज डायरेक्टेड टू बी पेड बाई द इंस्ट्रूमेंट ही वो पर्सन हो गया जिसका नाम मेंशन है जिसको इंस्ट्रूमेंट में जो अमाउंट लिखा गया उसको पे करना है तो ड्रॉवर और पेई सेम पर्सन हो सकते हैं अंटिल की उसे इंडोर्स ना किया गया हो ओके okay, तो अब हम देखते हैं कि ये तो बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपका चेक क्या होता है राइट right? अब चेक को जो डील किया गया है वो है सेक्शन सिक्स में चेक को डील किया गया है तो क्या डेफिनेशन दी गई है अ चेक इज ऑफ एक्सचेंज चेक कैसा है इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ ट्रंकेटेड चेक एंड अ चेक इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म अब चेक क्या हो गया चेक जस्ट लाइक अ बिल ऑफ एक्सचेंज होता है जिसमें कि क्या होता है कि बैंकर uh, पे ये ऑर्डर रहता है कि वो पेबल होगा कब पेबल होगा जब तक कि उसके डिमांड नहीं की जाएगी ठीक है जब डिमांड की जाएगी तब वो पेबल होगा और इसमें क्या इंक्लूड किया गया ये जो टर्म है एंड इट इंक्लूड्स द इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ अ ट्रंकेटेड चेक एंड अ चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ये लाइन पूरी अमेंडमेंट के बाद इस सेक्शन में इंट्रोड्यूस की गई वो इसलिए इंट्रोड्यूस की गई थी क्यों क्योंकि अब डिजिटलाइज हो रहा था तो अभी की बात नहीं है काफी टाइम पहले ही इसको अमेंड करके डाला गया था तो डिजिटलाइज होने की वजह से चेक के डेफिनेशन में ये एक लाइन और इंक्लूड की गई कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक इमेज में हो उसको हम आपका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो हो और ये चीजें कंटेन कर रहा होगा उसे हम चेक कहते हैं ओके okay, चेक जो है थ्री फॉर्म्स में ड्रॉन होता है दैट इज वन इज बेर चेक बेरर चेक क्या होता है बेरर चेक इज व्हाट

कैंसिल uh, नहीं किया गया होता है कट नहीं किया गया होता है तो इन दैट केस क्या होता है जो भी उस चेक को बियर करेगा या जिसका नाम मेंशन है वो, उसी को वो चेक पे हो जाएगा दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात होती है बियर चेक में ये होती है कि ये ओवर द काउंटर होता है ओ होता है ओवर द काउंटर इन द सेंस कि जो भी बियर कर लेगा उस चेक को वो जाके बैंक के काउंटर, काउंटर पे काउंटर पे चेक दिखा के कैश ले सकता है राइट दैट इज बियर चेक नेक्स्ट इज वॉट ऑर्डर चेक ऑर्डर चेक इज वॉट पेबल टू अ पर्सन विदाउट एनी प्रोविशनरी वर्ड अब ऑर्डर चेक क्या हो गया जिस पर्सन का नाम होता है ना कि ऑर्डर टू पे मिस्टर एक्स मिस्टर वाई जो भी होगा तो मतलब वहां पे हो गया कि इन्हीं पर्सन को स्पेसिफिकली बोला गया कि इन्ही पर्सन को पे करना है कि तो वो क्या होगा ऑर्डर चेक हो जाता है अब आपको थोड़ा सा हो रहा होगा ऑर्डर बेयर चेक में क्या डिफरेंस हुआ अब एग्जैक्टली exactly अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताऊं तो आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी सपोज करिए कि एक चेक है जिसपे की बेरर वर्ड को कट या कैंसिल नहीं किया गया राइट तो मतलब वो कैसा चेक हो गया बेरर चेक हो गया तो अब क्या होगा कि वो चेक खो जाता है जब वो चेक खो गया और अब क्या हुआ वो चेक किसी और को मिला तो अगर वो बेरर चेक हुआ तो वो चेक जिसको मिला वो गया बैंक में और बैंक में कैश करा के ले आ सकता है क्यों? क्योंकि वो बियर चेक था जो होल्ड करेगा जो बियर करेगा उसको पेमेंट मिल जाएगी लेकिन अगर ये ऑर्डर चेक होता तो सिम वो जो सेम पर्सन है उसी पर्सन को वो पे होता जिसमें उसका नाम ना कि मिला है वो चेक उसको मिल जाता तो अगर प्रैक्टिकली बोले बियर चेक बहुत रिस्की चेक होता है और अब तो वो बिल्कुल भी यूज भी नहीं होता है कि बियर चेक को यूज कर रहा हो बिल्कुल भी नहीं इवन अब जो प्रिंटेड फॉर्म में चेक आते हैं वो भी क्रॉस चेक कहलाते हैं राइट तो क्रॉस चेक जनरल क्रॉसिंग और स्पेशल क्रॉसिंग क्रॉस चेक जो है मैंने बोला ओटीसी तो ओटीसी दैट इज ओवर द काउंटर तो ऑर्डर चेक और बेर चेक दोनों केस में क्या होता है कि ओटीसी होते ओवर द काउंटर होते काउंटर पे जाके आप पेमेंट ले सकते हैं राइट right? लेकिन क्रॉस चेक में क्या होता है क्रॉस चेक में आप ओटीसी क्यों नहीं है आप काउंटर पे जाकर कैश नहीं मांग सकते हैं वो क्या होगा अकाउंट में पे होगा सीधे जिस पर्सन का नाम वहां मेंशन है उस पर्सन के अकाउंट में पैसे चले जाएंगे आप चेक लगाओगे उस पर्सन के अकाउंट में पैसे डिपॉजिट हो जाएंगे तो उसे हम कहते हैं क्रॉस चेक कहते हैं अब क्रॉस चेक दो तरीके से होती है एक होती है जनरल क्रॉसिंग दूसरी होती है स्पेशल क्रॉसिंग जनरल क्रॉसिंग मतलब हो गया कि जब दो पैरलर लाइन जो होती है फेस ऑफ द चेक पे होती है मतलब दो कॉर्नर जो चेक हो चेक होता है, के फेस पे दो पैर लाइन ड्रॉ की जाती हैं। तो हम उसे कहते हैं क्रॉसिंग चेक क्रॉस चेक कहते हैं अब ये नॉर्मल जनरल क्रॉसिंग सिर्फ हमने दो पैर लाइन ड्रॉ कर दी दैट जनरल क्रॉसिंग इसका मतलब क्या हो गया कि ये काउंटर पे पैसे नहीं मिलने वाले इसी को हम जी अब ये पैसे कहाँ मिलेंगे सीधा बैंक अकाउंट में मिलेंगे इसी को हम क्रॉस चेक कह रहे हैं इसी को हम जनरल क्रॉसिंग कह रहे हैं पर अब अगर मैंने उसी दो पैरल लाइन में लिख दिया बैंक ऑफ इंडिया सपोज मैंने वो दोनों पैरल लाइन ड्रॉ की और उसके अंदर लिख दिया बैंक ऑफ इंडिया देन क्या हो गया कि अब ये जो चेक है उसका अमाउंट डिपॉजिट होगा ओनली टू बैंक ऑफ इंडिया किसी और बैंक के अकाउंट में मतलब जिस पर्सन का नाम हमने लिखा है वो पर्सन का बैंक ऑफ इंडिया में जो अकाउंट होगा उसी अकाउंट में ये अमाउंट डिपॉजिट होगा दैट इज अ स्पेशल क्रॉसिंग चेक राइट इसके अलावा भी बहुत टाइप के चेक होते हैं लाइक एंटी डेटेड चेक पोस्ट डेटेड चेक स्टील चेक मोटीलेटेड चेक ये सारे टाइप ऑफ चेक होते हैं जो कि उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं कि मतलब आप उसको स्पेसिफिकली पढ़िए बट अदरवाइज टाइप ऑफ चेक के लिए बहुत सारे होते हैं देन अब इज नेक्स्ट इज वॉट कि चेक के पार्टीज कौन सी होती हैं तो एक हो गई आपकी ड्रॉवर ड्रॉवर इज वॉट मेकर ऑफ द चेक ड्रॉवर इज वो मेकर ऑफ द चेक या अकाउंट होल्डर बैंक में क्या हो गया अगर चेक बैंक की बात होती है तो उसमें बात की जिसका अकाउंट जो अकाउंट होल्डर होता है वही ड्रॉवर होता है क्योंकि वही तो चेक लिख के दे रहा होता है किसी को पेमेंट करने के लिए नेक्स्ट इज वोट ड्रॉई ड्रॉई कौन हो गया ड्रॉई मतलब डायरेक्टली टू पे द मनी बाय द ड्रॉवर मनी जिसको डायरेक्ट कर रहा है कि आप पेमेंट करो तो यहाँ पे चेक की बात करें तो यहाँ पे हम किस को डायरेक्ट कर रहे होते हैं बैंक को कि आप पेमेंट कर दीजिए तो बैंक क्या हो जाता है यहाँ ड्रॉई हो जाता है नेक्स्ट इज वर्ट पे the person, your order named in या check to whom money is directed to be paid by the instrument, जिसका नाम उस check पे mention है, जिसको पेमेंट मिलनी है that is pay. Sometimes अगर मैंने लिख दिया चेक पे to self, कई बार to self करके भी हम चेक कट करते हैं right? तो उस केस में क्या हो गया ड्रॉवर ऑफ पे इज द सेम पर्सन करेक्ट तो ये हो गया हमारा चेक का आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि प्रोमिसरी निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है प्रोमिसरी नोट क्या होता है बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है चेक क्या होता है तो एक बार सेक्शन की बात अगर करूं तो निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट को सेक्शन थर्टीन डील करता है उसमें सिर्फ तीन बातें बताई गई कि निगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स कौन हो गया प्रोमिसरी नोट हो गया बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया और चेक हो गया राइट right? इन्हीं को कहते हैं अब प्रोमिसरी नोट को हमने देख लिया तो सेक्शन फोर प्रोमिसरी नोट सेक्शन फाइव बिल ऑफ एक्सचेंज सेक्शन सिक्स चेक हो गया इससे सेक्शन एट होल्डर होता है सेक्शन नाइन होल्डर इन ड्यू कोर्स होता है तो इस तरीके से आप सेक्शन याद करोगे तो आपको सेक्शन भी याद हो जाएगा अब हम बात करते हैं क्रॉसिंग की तो क्रॉसिंग ऑफ चेक मतलब होता है कि जब हम उस चेक के लेफ्ट कॉर्नर पे अपर साइड में लेफ्ट कॉर्नर पे दो पैरलर लाइन पैरलर ट्रांसवर्स लाइन्स को ड्रॉ कर देते हैं तो उसको हम कहते हैं कि ये क्रॉसिंग चेक है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखिए चेक का फॉर्मेट है तो यहाँ पे जो ये रेड दोनों लाइन लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे हैं इसके ड्रॉ करते ही क्योंकि ये दोनों क्रॉस हैं एक दूसरे के वो पैरल क्रॉसिंग में हैं इसी को बोलते हैं पैरल ट्रांसवर्स लाइन्स तो इसी को बोलेंगे कि ये कैसा चेक है ये क्रॉसिंग चेक है अब इस क्रॉसिंग चेक का मतलब क्या हुआ तो जैसे ही हम चेक को क्रॉस कर देते हैं ना तो इसका जो मोड ऑफ पेमेंट है वो चेंज हो जाता है तो ये क्रॉसिंग करने से क्या इफेक्ट होता है इसका मोड ऑफ़ पेमेंट यहाँ मोड ऑफ़ पेमेंट का मतलब समझिएगा कि चेक का मतलब हो गया कि आप ले गए बैंक को दिखाया बैंक ने आपको पेमेंट कर दिया तो यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट कैसे चेंज होगा कि यहाँ आपको काउंटर पे कैश नहीं मिलेगी राइट right? अगर आप क्रॉस चेक लेके बैंक पहुँचते हैं तो आप चेक दे के कैश जो है काउंटर पे कलेक्ट नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाएगा कि यहाँ पे आपको काउंटर में चेक नहीं काउंटर पे चेक नहीं मिलेगा चेक जो कैश है वो वो कैश आपको अकाउंट में मिलेगा यही बेसिकली क्रॉसिंग चेक का मतलब होता है चेक क्रॉस करते ही पेमेंट अकाउंट पे ही हो अकाउंट में हो जाता है अब ये जो क्रॉसिंग होती है वो किसके थ्रू होती है बैंक के थ्रू होती है अब जब क्रॉस हो गया तो पेमेंट भी कहाँ पे होगा बैंक के अकाउंट में ही होगा जैसे मैंने मिस्टर एक्स को अगर मैंने चेक कट करके दिया तो मिस्टर एक्स जब चेक प्रेजेंट करेंगी तो उस उसका कैश वो नहीं ले सकते हैं मिस्टर एक्स के बैंक अकाउंट में वो चेक का अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा ये होता है क्रॉसिंग चेक का या क्रॉस चेक का मतलब राइट right? अब हम बात करते हैं कि क्रॉसिंग कितने टाइप की होती है तो ये भी निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट में ही इसी उसमें हमें डिफाइन किया गया और उसके अकॉर्डिंग दो तरीके से टाइप क्रॉसिंग ऑफ चेक होता है टू टाइप्स होते हैं कौन कौन से एक होता है जनरल क्रॉसिंग जो कि सेक्शन 123 में एक्सप्लेन किया गया और दूसरा होता है स्पेशल क्रॉसिंग जिसको सेक्शन 124 में एक्सप्लेन किया तो 123 के हिसाब से जनरल क्रॉसिंग और 124 के हिसाब से स्पेशल क्रॉसिंग अब जनरल क्रॉसिंग और स्पेशल क्रॉसिंग कैसे होती है तो ये तो कन्फर्म है क्रॉसिंग का मतलब कि ऊपर अपर साइड में लेफ्ट कॉर्नर पर दो पैरल लाइन आ जाएगी अब जनरल क्रॉसिंग में क्या होगा स्पेशल क्रॉसिंग में क्या होगा ये समझते हैं तो पहले हम क्या करते हैं जनरल क्रॉसिंग को देखते हैं तो जनरल क्रॉसिंग मतलब क्या हो गया कि दो पैरलर लाइन उस पर जो ड्रॉ है लेफ्ट कॉर्नर में जिसको हम कहते हैं ये क्रॉस चेक है उसी को हम क्या बोलेंगे कि जनरल क्रॉसिंग है अब उस दो पैरलर लाइन में कुछ वर्ड्स लिखे भी हो सकते हैं और बिना किसी वर्ड के भी हो सकता है फॉर एग्जाम्पल जैसे ये दो पैरल लाइन हो गई अब उस पैरल लाइन में आर्ल एंड कंपनी हमने लिख दिया अकाउंट पे लिख दिया नॉट निगोशिएबल लिख दिया तो चाहे कुछ लिखा हो चाहे ना लिखा है इसका मतलब तो एक हो गया कि ये चेक का पेमेंट उस पर्टिक उाइलर पर्सन के अकाउंट में होगा कैश उसको नहीं मिलेगा राइट right? अब अकाउंट पे का मतलब मैंने अगर मेंशन कर दी तो इसका मतलब भी वही है कि भाई आपके अकाउंट में हुआ मैंने कोई वर्ड मेंशन नहीं की सिर्फ दो पैरा लाइन की दी तो भी मतलब यही हुआ कि अकाउंट पे ही होगा अगर मैंने उसमें लिख दिया नॉट निगोशियबल इसका मतलब कि ये जो क्रॉसिंग चेक है इस पर जिस पर्सन का इस चेक पे नाम लिखा गया है ये पर्टिकुलरली इसी पर्सन के बैंक अकाउंट में होगा ये नॉट निगोशियेबल मतलब इसको हम किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर नहीं कर सकते क्योंकि निगोशियेबिलिटी से क्या होता है ट्रांसफरबिलिटी का ऑप्शन मिल जाता है कि हम इसे इंडोर्स कर सकते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन को इंडोर्स कर सकते हैं तो ये चीज पॉसिबल नहीं होगी जिसके नाम का उसी के अकाउंट में चला जाएगा तो दैट इज़ जनरल क्रॉसिंग ठीक है जनरल क्रॉसिंग का मतलब क्या हो गया सिंपल क्रॉसिंग जो नॉर्मल क्रॉसिंग का मतलब हो गया कि चाहे उसमें अकाउंट पे लिखा हो चाहे ना लिखा हो उसका मतलब हो गया कि आपके पर्टिकुलर पर्सन के बैंक अकाउंट में वो पैसा क्रेडिट हो जाएगा अब इसका इफेक्ट यही है कि चेक जो प्रेजेंट किया जाएगा वो बैंकर के थ्रू उस पर्सन के बैंक में ही किया जाएगा नॉट बाई द पे हिमसेल्फ एट द काउंटर ओके अब हम आगे देखते हैं कि नेक्स्ट देखते हैं दैट इज स्पेशलिंग स्पेशल क्रॉसिंग क्या होता है तो यहाँ पे दो पैरल ट्रांसवर्स लाइन्स रहेंगी लेकिन एडिशन ऑफ द नेम ऑफ बैंकर अब जिस बैंक जिस पर्सन को मुझे पेमेंट करना था यहाँ पे हम उस पर्सन के कौन से बैंक अकाउंट में जाएगा ये पैसा क्रेडिट होगा उसका भी नाम मैंशन कर देते हैं राइट फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे दो पैरलर लाइन लिखी तो दो पैरल लाइन की से ए, से मैंने उसमें लिख दिया एस इसका मतलब हुआ कि अगर मिस्टर एक्स के नाम का मैंने चेक कट किया है तो मिस्टर एक्स के बैंक अकाउंट में पैसा जाएगा क्योंकि दो पैरा लाइन हो गई तो कैश तो नहीं मिलेगा बैंक अकाउंट में जाएगा डन है ये बात अब उसमें एस बी आई लिखा है इसका मतलब मिस्टर एक्स का जो एस बैंक का अकाउंट होगा सिर्फ ये पैसा उसी अकाउंट में क्रेडिट होगा क्लियर है तो यहाँ पे जो है अगर उस स्पेशल क्रॉसिंग में क्या होगा उस दोनों पार्लर लाइन में उस बैंक का नाम भी मेंशन हो जाएगा जो ये डिनोट करेगा कि इस पर्टिकुलर पर्सन के इसी बैंक अकाउंट में ही ये पैसा जो सर्टेन सम ऑफ मनी है वो क्रेडिट होंगे दैट इज़ कॉल्ड स्पेशल क्रॉसिंग क्लियर है तो ये क्या है जनरल क्रॉसिंग के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा सेफ़ है पहली बात तो जो क्रॉसिंग चेक नहीं होते उनके कंपैरिजन में क्रॉसिंग चेक ज़्यादा सेफ़ होते हैं क्योंकि क्रॉस अगर क्रॉस चेक नहीं है तो किसी भी पर्सन के हाथ में लगा तो वो इंडोर्स के नाम पे क्योंकि नेगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट है तो इंडोर्स कह के हम उसको ले सकते हैं कैश इनकाउंटर करा इनकाउंटर पे उस काउंटर पर उसको इन कैश करा सकते हैं लेकिन अगर क्रॉसिंग हो जाता तो भाई सामने वाले के बैंक अकाउंट में जाएगा तो ये ज़्यादा सेफ़ हो जाता है अच्छा अब दूसरी बात आज के टाइम पे जनरली सारे ही चेक जो होते हैं वो जनरल क्रॉसिंग में आ जाते हैं अब स्पेशल क्रॉसिंग के केस में आप और सेफ हो गया कि पर्टिकुलर पर्सन के उसी बैंक अकाउंट में जिसमें आप चाह रहे हैं वहीं पे पैसा डिपॉजिट होगा उसी अकाउंट में क्रेडिट होगा तो ये काफ़ी ज़्यादा सेफ हो जाता है ठीक है तो अब क्वेश्चन उठता है कि चेक को क्रॉस कौन लोग कर सकते हैं हो में क्रॉस द चेक तो एक तो ड्रॉवर और द मेकर ऑफ द चेक मैंने चेक लिखा है मेरा बैंक अकाउंट था मैं अपने बैंक अकाउंट से आपको पाँच लाख रुपए दे रही हूँ तो मैं मेकर ऑफ द चेक होंगी तो मैम ड्रॉवर हुई क्योंकि चेक बना के मैंने दिया तो ड्रॉवर ऑफ द जो चेक होगा वो क्रॉस कर सकते हैं होल्डर अब आपके पास गया चेक आपके हाथ में है अब आपको इसको प्रेजेंट करना है तो अगर आपको लग रहा है डाउट तो आप भी उसको क्रॉस कर सकते हैं अगर वो अनक्रॉस्ड है तो अगर वो क्रॉस चेक नहीं है तो आप भी चाहे तो उसको क्रॉस कर सकते हैं क्रॉस मतलब समझ पैरेलल लाइन ट्रांसवर्स लाइन जो है आप उस पर ड्रॉ कर सकते हैं तो ये भी हो गया आपका होल्डर भी कर सकते हैं एंड द थर्ड केस इज वोट बैंकर बैंकर कैसे कर सकते हैं सपोज करिए कि मैंने मिस्टर एक्स को किया अब एक्स ने बैंक में प्रेजेंट किया तो बैंक में प्रेजेंट करने के बाद ये तो पता है कि मिस्टर एक्स के बैंक अकाउंट में जाएगा अब उस बैंक ने अगर चाहा तो किसी और बैंक के नाम का उसमें क्रॉसिंग करके लिख दिया तो पर्टिकुलर उन्होंने कलेक्शन के लिए उस बैंक का उस बैंक को मैंशन कर दिया ऑर्डर दे दिया कि भाई सामने वाला बैंक ही इसको करेक्ट करेगा तो बैंकर भी क्रॉस चेक कर सकते हैं तो ये तीन लोग हैं जो क्रॉस कर सकते हैं